सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन नागपुर जिला कमेटी की ओर से संविधान चौक में महिलाओं का जेल भरो आंदोलन किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी है। सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन नागपुर जिला कमेटी की ओर से संविधान चौक पर सीटू का कामकाजी महिलाओं का जेल भरो आंदोलन किया गया। गत 6 वर्षों से राजाश्रय के कारण देश भर में महिलाओं पर बढ़ते अन्याय अत्याचार के खिलाफ महिलाओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलन में मोदी सरकार द्वारा धर्म के आधार पर लोगों को बांटने के लिए CAA, NRC और NPR का विरोध किया गया। इंडिसेंट की टीम संविधान चौक पे पहुंची है, जहां पे CITU की ओर से आज केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी से लेकर आशा प्रवर्तक के ये तमाम महिलाएं यहाँ पे मौजूद है, जो कि थोड़ी देर में यहाँ पे जेल भरो आंदोलन होने वाला है। इस समय में हमारे साथ में CITU के भरने साहब मौजूद है, आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार वे क्या कहना चाहते हैं। उससे पहले थोड़ा प्लान करके बताइए कि ये तमाम महिला जो है नारे देते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो महिला अत्याचार हो रहा है, ये सभी महाराष्ट्र में उसका आंदोलन चल रहे हैं। वो संविधान बचाओ और देश बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जो आंदोलन करें। अभी मोदी जी कर रहे हैं कि आशा हम महिलाओं को कुछ मिला के देंगे, लेकिन कुछ देके नहीं रहे। जब मोदी जी घोषणा करते हैं तो बहनों के लिए सब कहते हैं कि सब बहनों का अच्छा हो जाए, हाँ हम ये देंगे वो देंगे। प्रधानमंत्री की जो योजना चल रही है वो पूरी बकवास है, और जो अभी संविधान के लिए बारे में सभी महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन सारे देश भर में हो रहा है। जो NRC का जो कायदा बना है उन्होंने वापस नहीं लेंगे, तो हम सभी महिलाएं रास्ते पर चलेंगी, आंदोलन करेगी। आंगनवाड़ी कार्य करती है, आंगनवाड़ी सेविका और मदद प्लीज, और ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पे हो रहा है, ये आंदोलन हो रहा है, ये किसी मानदान बढ़ाने के लिए नहीं हो रहा है, ये मानदान हो रहा है महिलाओं पे जो हो रहा है अत्याचार, उसके लिए हो रहा है। तो उसमें जो कामकाजी महिलाएं जो है, तो जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं, उसमें आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, जनवादी महिला संगठन के हो, या जितनी भी हो, उन सबके ऊपर में अभी आप फिलहाल देख रहे हो कि किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, और महिलाओं पर छोटी रहे या बड़ी रहे या कोई भी रहे, उनके ऊपर में जो अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचारों के खिलाफ में हम ये आंदोलन कर रहे हैं कि ये अत्याचार नहीं होना चाहिए। और खास करके जो NRC और ये CAA आया हुआ है, उसके खिलाफ में ये हमारा आंदोलन है कि हम महाराष्ट्र में जब हम रह रहे हैं, तो हम इस देश के वासी है या नहीं है ये सिद्ध करना जब सरकार बोल रही है, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए उन्होंने। क्योंकि जो भी यहाँ पर रहता है, तो वो सब यहाँ का रहवासी है, तो उसके लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं। वैसे तो हमारा आंदोलन हमेशा चलते ही रहता है कि हम मानदान को लेकर चले और इसके लिए चले, लेकिन स्पेशल हमारा ये जो आंदोलन चल रहा है, ये है कि महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार है वो अभी तक के रुका नहीं है। जब से भाजपा सरकार आई है 2014 से, तब से देखो तो ये अत्याचार जो महिलाओं के ऊपर में है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो अभी तक के स्टॉप नहीं हुए। छोटी बच्ची से लेकर बड़ों तक के जितनी भी औरतें हैं, उनके ऊपर में कोई भी लड़कियां या औरतें अभी भी सेफ नहीं है। तो हमारी इच्छा बस इतनी है कि महिलाएं सेफ रहे, और ये सरकार को कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो एक तरफ बोलते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए लेकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। संविधान चौक पर आंदोलन के दौरान कुछ गड़बड़ियां ना हो, इसके लिए बर्डी पुलिस पूरी तरह से तैयार थी। आज महिला आंगनवाड़ी का जो मोर्चा और पुलिस का जेल भरो आंदोलन भी है, इस समय में हमारे साथ में बर्डी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजपूत साहब है, उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का बंदोबस्त है और क्या करने जा रहे हैं। सर, जिस प्रकार से आज महिला ने खुद को मतलब अटक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कार्रवाई करने वाले हो, किस तरह से तैयार हो? वो कुछ महिला संगठन है और ये सीटू के माध्यम से अपनी कुछ समस्याएं कुछ दिनों से चल रही है इनकी। आशा कर्मी, आंगनवाड़ी कर्मचारी है, आशा कर वर्कर्स है, और कुछ वैद्यकीय क्षेत्र से भी कुछ नर्स वगैरह और नर्सेस वगैरह है। ये आर्थिक असमानता के चलते उनका आंदोलन चल रहा है, और अभी जो माहौल चल रहा है कि जैसे कि महिलाओं पे कुछ जगहों पे कुछ मतलब अत्याचार हुए, तो उनके खिलाफ में उनका प्रदर्शन है, और वो आर्थिक समानता के बारे में उनके जो पेमेंट्स निश्चितीकरण है, उसके चलते उन्होंने ये धरना आंदोलन किया है, और अभी वो उसका वो जेल भरो के इसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो हम लोगों की पूरी तैयारी है, हमारा पूरा महिला स्टाफ इसमें है, कुछ एम्बुलेंस लाए हम लोगों ने, हम लोगों के पास में उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सब हो चुके हैं, और हमारे सीनियर्स ने भी इसमें बहुत से मतलब ध्यान दिया है कि
जो महिला आई है ये गांव खेड़े से आई है और उनको कुछ तकलीफ ना हो इसलिए हम लोग पूरी एहतियात बरत रहे हैं और जो भी हो सके हम लोग ये जो आंदोलन है जेल भरो ये पूरी शांततापूर्ण खत्म करने के इसमें। अपनी मांगों को लेकर सरकार का विरोध करते हुए और नारेबाजी करते हुए सीटू के कामकाजी महिलाओं ने गिरफ्तारियां दी। सीआईटीयू के जिला अध्यक्ष भरनी जी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सर ये बताइए कि जिस तरह से आज ये आंदोलन जेल भरो आंदोलन खासतौर पे महिलाएं कर रही है इसके पीछे का कारण क्या है? इसका कारण ये है साहब कि आज ये सरकार जो आई है पूरे संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बदलने की कोशिश है पूरे देश के अंदर में हर तत्व में आप जाकर तो इसके विरोध में काम हो रहा है, उसके विरोध में हम आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि इनका कारण ऐसा है कि यहाँ गोलबलकर ने खुद इस प्रकार की बात बोला था साहब, यहाँ पे महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, मुसलमानों के बारे में उन्होंने ये बोला था कि मैं अंग्रेजों की सारी जिंदगी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ मगर जिस संविधान के अंदर में दलितों के लिए महिलाओं के लिए स्थान है उस संविधान को मैं नहीं मानता। इसका मतलब ये है कि ये संविधान को तोड़ना चाहते, उसको बर्बाद करना चाहते और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए चाहे जितना लड़ना है हम लड़ेंगे। ये बताइए कि अगर सरकार ने आपकी मांगों को दरकिनार किया तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? देखिए अभी पूरे देश भर में एनआरसी एनपीए सीएए के खिलाफ महिला दिन के उपलक्ष्य में अभी रास्ते पे उतरी है, सिर्फ सरकार को जता देना चाहते हैं। अगर समझ लो सरकार ने अगर इन मांगों को नहीं माना तो महिला और पुरुष मिलकर सारे देश भर में इससे भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे। सिर्फ ये चेतावनी है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। सिर्फ आज हम सिर्फ चेतावनी दे रहे हैं सरकार को और चाहे कुछ भी हो जाए संविधान बचाने के लिए हम किसी भी रास्ते पे यानी आ सकते हैं, कहीं भी उतर सकते हैं। तो बिल्कुल महिला अत्याचार विरोधी दिन के ऊपर में आज यहाँ पे जिस प्रकार से ये आंदोलन लिया गया है और तो अभी यहाँ पे जेल भरो आंदोलन भी होने वाला है। एक बात तो तय है कि केंद्र सरकार ने इन महिलाओं के ऊपर में जो तंज कसे है ऐसा इनका कहना है कि पुराने जमाने से लेकर अब तक के महिलाओं के ऊपर में अन्याय अत्याचार हो रहा है मगर सरकार को दिख नहीं रहा। इतना ही नहीं तो बेरोजगारी का भी आलम है और दो वक्त की रोटी भी आज लोगों को नहीं मिल रही है, इतनी भूखमरी आज इस देश में आ पड़ी है क्योंकि रोजगार जो है रोजगार ही नहीं है किसी को, जिसके चलते बेरोजगारी का एक बहुत बड़ी संख्या इस शहर में, जिसके चलते अन्याय अत्याचार भी काफी महिलाओं के ऊपर में हो रहे। लेकिन अफसोस कि इस ओर सरकार का ध्यान नहीं, सरकार इस ओर ध्यान दे और संविधान को बदलने की जो बात कही जा रही है उसे तत्काल रोक दिया जाए, इस प्रकार की बातें न करें क्योंकि इस प्रकार की जब बातें होती है तो समाज में टेढ़ निर्माण होती है और संविधान में सभी जाति धर्म पंथों को एक साथ लेके चलने की बात कही गई है। संविधान को भारत में राष्ट्रीय ग्रंथ भी मानते हैं और उसका पूजा भी उसकी करते हैं, एक इबादत करते हैं इस अपने राष्ट्रीय ग्रंथ यानी संविधान को, कोई भी उसको किसी भी तरह से उसको बाधित न करे, यही मांग आज ये तमाम सीआईटी के पदाधिकारी इस समय में कर रहे हैं और इसी के लिए आज यह महिलाओं ने बहुत बड़ा जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम लिया गया है। संविधान चौक से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, एनबीसी न्यूज नागपुर।